फैमिली का ये है, ये होता ही है। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत फिर से भाई जिम से। तुम्हें ज्यादा दिखाऊंगा नहीं कि भाई क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले व्लॉग में दिखा चुका हूँ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो आज की शुरुआत फिर से जिम जा रहा हूँ कार्डियो करने के लिए। अभी बज रहे हैं 11:30, सॉरी। पहले अपने डॉग को टहलाऊंगा थोड़ा सा नीचे जाके, फिर जाऊंगा जिम। तो जिम जाने के बाद आज थोड़ा बाहर जाने का प्लान है, आज थोड़ा सा शूट भी है, तो व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। आप देख सकते हैं, लाइक का बटन नहीं दबाया पहले दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और सुबह उठते ही गर्म पानी पीजिए, और ग्रीन टी पी सकते हो तो ग्रीन टी पीजिए, और वर्कआउट कर सकते हैं तो वर्कआउट करिए, बहुत बढ़िया। दो टाइम कर सकते हैं दो टाइम करिए, जितना फिट रहेंगे उतना मजे में रहेंगे। तो चलिए चलते हैं जिम में। मैं कैमरा लेके जाता नहीं हूँ, तो जिम में फोन से शूट हो जाएगा थोड़ा बहुत जो होगा, बाकी कुत्ते को टहला लाएंगे। चलिए चलते हैं। अभी आपने देखा मैंने 200 कैलोरीज का वर्कआउट किया है सिर्फ ट्रेडमिल पे, अभी 200 कैलोरीज मैंने बर्न कर दिया। मैं रनिंग इंक्लाइन पे पसंद करता हूँ, 8 की स्पीड पे रेगुलर भागता रहता हूँ। इंक्लाइन पे, इंक्लाइन 10, इंक्लाइन 2 या 3, 4 नहीं, इंक्लाइन 10 या 12 पे मैं भागता हूँ। अभी देखो ट्रेडमिल नीचे हो रही है पूरी की पूरी, इसकी आवाज़ है। तो ऐसे मैं भागता हूँ, उससे कहना है कि एक 200 कैलोरी तक चलो बर्न नहीं होगी, उसके बाद जब आप एब्स मारोगे, रस्सा मारोगे, जितनी बहुत सारी एक्सरसाइज है वो मारोगे, तो क्या है और कैलोरीज बनोगे। तो मतलब मिनिमम 500 कैलोरी का वर्कआउट तो मैं सुबह ही कर जाता हूँ, 500 कैलोरी हो गया। और शाम को जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, तो वहाँ पे मेरी 200 से 300 कैलोरी बड़े आराम से बर्न हो जाती होंगी। कभी काउंट नहीं होगा, क्योंकि फिटनेस बैंड जो है ना वो वाली कैलोरीज, स्ट्रेंथ वाली कैलोरीज कैलकुलेट नहीं कर पाता इतने अच्छे से जितनी वो रनिंग वाली ये सब चीज़ें कैलोरीज कैलकुलेट कर लेता है। अब यहाँ से रनिंग के सीधा बाद मैं मारूँगा अपनी एब्स के बाद फिर मैं थोड़ी सी साइकिलिंग करूँगा, रस्सा करूँगा, थोड़ी सी बॉक्सिंग करूँगा, ठीक है। और जो एब्स में है मैं मिनिमम 5 वर्कआउट लगाऊँगा, ठीक है। 5 वर्कआउट यार दिखा तो नहीं पाऊँगा, वर्कआउट नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरा फिटनेस से रिलेटेड चैनल नहीं है यार। वो फिटनेस वाले लोगों से आप जाकर देखो कि आप वो ज़्यादा बढ़िया वर्कआउट बताते हैं, क्योंकि मैं भी खुद उनसे ही देखता हूँ जो बढ़िया बढ़िया बंदे, जैसे कि राजवीर हो गया, रूबल दंकड़ हो गया, इन सब से मैं भी इंस्पायर होकर वर्कआउट करता रहता हूँ। तो अभी मैं वर्कआउट करूँगा अपना, और फिर बढ़िया अपना मस्त से थोड़ी 10 मिनट साइकिल करूँगा, 10 मिनट ये वाली करूँगा, ये कौन सी एक्सरसाइज है मुझे नाम नहीं पता, और 5 मिनिमम एब्स की एक्सरसाइज मारूँगा। पानी डालना ज़रूरी था, नहीं तो पुट्ठे पनीर टिक्का बन जाते। अभी ये नरम नरम हो गई, ठंडी ठंडी। अपनी स्कूटी की धुलाई भी हो रही है, बहुत टाइम से गंदी खड़ी हुई थी, तो सोचा धुलवा ही दें, बढ़िया धुल जाएगी अपना। और अपना हेलमेट वेलमेट रख लिया। सुबह जैसा कि आप ये सामने वाली वीडियो में देख रहे हो कि यहाँ पे एक बंदा मेरी स्कूटी धो रहा है, बड़े अच्छे से लगन से धो रहा है स्कूटी। तो इसकी एक स्टोरी है, इसकी ये स्टोरी है कि ये बंदा ना सुन सकता है ना बोल सकता है, और बस इसका, क्योंकि देखो साइन लैंग्वेज सीखने के लिए भी आपको पता है पैसे देने पड़ते हैं और ये सब बहुत छोटा मोटा ऐसे जो थोड़ा बहुत आता है। तो इसने साफ साफ बोर्ड लगा रखा है कि 70 रुपये चार्जेस हैं, तो कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो कोई नहीं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ये बंदा सिंगल है, एंड इसका मोटिव ये था कि इसे भीख करके नहीं कमाना है, भीख मांग के नहीं कमाना है। क्या इसने देखा कि इसके पास क्या चीज़ अवेलेबल है, ऐसे लोगों के पास बहुत सारी बहुत कम चीज़ें अवेलेबल है। इसने देखा इसके पास हाथ हैं, इसके पास पैर है, इसने कहा ठीक है
मैं जॉब ढूंढता हूँ, जिस तरीके की जॉब मैं कर सकता हूँ वो जॉब मैं ढूंढता हूँ, और इसने वो जॉब ढूंढी, वर्क करता है, अपने लिए भी 15 से 20 हज़ार बचाता है और इस शॉप का जो ओनर है उसको भी 30-35 हज़ार रुपये देता है। तो टोटल अर्निंग छोटे अच्छे स्कूटी बैग धो के दिन की 50-60 या 20-30-40 जितने भी स्कूटी बैग धुलती होंगी इसकी, धो के ये 50-60 हज़ार रुपये निकाल के कुछ कट अपने पास रखता है, कुछ अपने मालिक को दे देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, ये देखो कि आपके पास क्या है। दिस इज़ द मॉरल ऑफ स्टोरी। इस बंदे को देख के मैं हमेशा मोटिवेट होता हूँ। मैं कभी कभार डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यार, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं चल रही है, बट मेहनत करते रहने के लिए ना ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, ऐसे लोगों को देख के सीखना पड़ता है। तो आप भी सीख सकते हो। स्कूटी तो अपनी बढ़िया चमक गई यार, इतनी बढ़िया चमक गई स्कूटी। जैसा कि आपको पता था आज हमारा शूट है, पर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। आज पिटाई होगी मेरी, पिटाई तो नहीं होगी बट तब भी यार गाड़ी तो सुनने को मिलती है कि लेट हो गए। फटाफट लिफ्ट में घुसो, दबाओ जी फटाफट। अरे भाई खटरी भाई को खड़े खड़े हो चुके हैं भाई, कम से कम नहीं तो 10 मिनट। और मेरी मम्मी कह रही खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले। और ये हर हर फैमिली का ये है, ये होता ही है कि खाना खा ले बेटा ढंग से। बेटा अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है ना तो भाई तुम्हें मम्मियों से थोड़ा बहुत तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में कहूँगा मैं फिटनेस भी कर रही, क्योंकि भाई तुम्हें वेट कम करना है। अब तुम तीनों टाइम रोटी चबाओगे तो फिर वेट तो ऐसे कम होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें डेफिशिएट में जाना है तो नहीं होगा, और बाहर दिक्कत होगी। तो चलो चलते हैं शूट पे। और आ गया सेक्सी, और तो यहाँ चल रहा भाई अपना वीडियो शूट, ये यहाँ पे ऐसे कुछ हम वीडियो बनाते हैं अपनी, और ये कुछ लोकेशन है अपनी, इससे ज़्यादा नहीं। ये बंदर हमारे शूट पे आते हुए इसकी गांड फटते हुए उसकी गांड फटते हुए। बेसिकली वी आर शूटिंग अप हियर। चल ठीक है, वैसे तो मैंने रख दिया चप्पल के नीचे रखा है, किसी को देखेगा नहीं। प्रांजल भाई का शूट चल रहा है, एक नंबर का। प्रांजल भाई ने प्रोडक्शन पे खर्चा कर रखा है एक नंबर। कहाँ देखना, इसमें देखना, उसमें देखना, नाली पे खर्चा। ये देखो नाले पे। चलो 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 चलो।